अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप लोग? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी ठीक होंगे। और आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। वो है जी चिकन मखनी की, चिकन मखनी हांडी की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया है जी 1 कप ऑयल डाल रिया है और अब इसको बनाना शुरू करते हैं। आँच मैंने जला ली है और ऑयल के अंदर अब मैं डाल रही हूँ 2 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लेके उनको देखे मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। ऑयल के अंदर मैं इस प्याज को डाल रही हूँ। अब इस प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, यानी कि थोड़ा पिंकिश सा कलर इसके अंदर आ जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमें इसको। और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मक्खन। ये चला गया जी इसके अंदर मक्खन। और अब हम कर लेते हैं इसको हल्का सा लाइट सा ब्राउन कलर प्याज में आ जाए, फिर नेक्स्ट हम इसका काम करेंगे। जी प्याज में देखें हल्का सा कलर आ चुका है और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही इसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ, चिकन जो मैंने 1 किलो लिया है बोनलेस क्यूब्स लिए हैं मैंने। अब चिकन को हम फ्राई करेंगे। छः सात मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। जी चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी दही। 1.5 कप मैंने दही ले लिया, उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और वो मैंने शामिल कर दिया। और साथ ही इसमें हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून जी ये है सूखा धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सफेद जीरा, रोस्टेड जीरा है ये। मैंने इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था पहले और फिर इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया। और साथ ही इसमें डालेंगे हम नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं 2 टीस्पून डालूंगा। सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बिल्कुल आपको ये रेस्टोरेंट वाली रेसिपी ही लगेगी जब आप खाएंगे इसको। और अब इसको मैं मीडियम आंच करके ऊपर से ढक रही हूँ ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। सॉरी मैं दूसरी हांडी का ढक्कन इसके ऊपर दे रही थी। ये जी अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के पकाएंगे। जी चिकन गल चुका है, ढक्कन मैंने उतार दिया ऊपर से और दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ जी मैं 1 कप क्रीम का, 1 पैकेट आप ले सकते हैं 200 ml का जो नॉर्मल मार्केट से मिलता है, वो 1 कप आप इसमें शामिल कर दें क्रीम का। अब इसको मैं 4-5 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। जी 4-5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने लेके उनको काट लिया है,
वो डाल रही हूँ। इसकी भी एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज धनिया। और क्योंकि ये मखनी हांडी है लिहाजा इसको हम अब हांडी में निकालेंगे। जी तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी चिकन मखनी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने बटर थोड़ा सा और ऊपर डाल दिया है, देखें वो मेल्ट हो रहा है। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे और उसको मैंने हांडी के अंदर निकाल लिया। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।